हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाटन मेटल के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट मिल सके मेरे चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले डार्क मल्टीवर्स में हम देखते हैं बैटमैन को, जो उस पिलर से निकाला जा रहा था क्लार्क कैंट के नाइटमेयर के जरिए, जिसे देखते ही पहचान जाता है ब्रूस वेन और वो उन्हें उलझा कर उनके हाथ का एक गंडेट चुरा लेता है। वो गंडेट जो ब्रूस वेन ने तैयार किया था पांच तरह के क्रिप्टोनाइट मिक्स करके। उस हर एक क्रिप्टोनाइट का असर सुपरमैन पर अलग अलग तरीके से होता था और वो कह रहा था अगर तुम सुपरमैन के नाइटमेयर हो तो तुम्हारी इमेजिनेशन वेपन्स के बारे में बहुत कमजोर होगी और तुम्हें वेपन्स के बारे में उतना ही पता होगा जितना उसने मेरे केव में देखा है, और मैं अपने वेपन्स के बारे में कभी नहीं भूलता। इसमें हर एक कलर का क्रिप्टोनाइट है, गोल्ड से लेकर पेरीविंकल तक, जो तुम्हारे ऊपर अलग अलग असर डाल सकता है। इस वजह से वो सारे सुपरमैन उससे दूर जाने लगते है। इसी बात का फायदा उठाकर वो क्लार्क को वहां से छुड़ा लेता है और उसे जगाते हुए कहता है जल्दी उठो, तुम उन्हें पावर अप कर रहे हो, तुम अभी सेंटर में हो। इसका मतलब कि तुम अभी ब्लैक सन की तरह ट्रीट कर रहे हो, और ब्लैक सन का नाम सुनते ही उसे याद आता है ड्रीम और वो उसे पुकारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉक ऑफ इटर्निटी में, जो कि कॉस्मिक सेंटर था मल्टीवर्स का, जहाँ पर वो सेवन सिंस से लड़ रहे थे जो कि रॉक फॉर्म्स थे, जो उन्हें रोक रहे थे आगे बढ़ने से। इसका मतलब वो समझ जाते हैं कि डेथ मेटल यही कहीं पर है, और लड़ते वक्त वंडर वुमन कैनरा को ये विश्वास दिलाती है कि जो भी मुसीबत हो हम सभी इससे निपट लेंगे। दूसरी तरफ आउटस्कर्ट ऑफ एटलांटिस में एक्वामैन और डेथस्ट्रोक आ चुके थे फर्स्ट किंग के टॉम के पास, जहाँ के पहरेदार पहले ही मारे जा चुके थे। इस पर एक्वामैन कहता है वे सबसे ट्रेंड फाइटर थे, और तभी उसकी बात ना सुनते हुए डेथस्ट्रोक अपनी तलवार उस टॉम में घुसे देता है, लेकिन गुस्से में वो उससे कहता है तुमने सुना नहीं उस मछली ने क्या कहा कि जो भी इस टॉम को हाथ लगाएगा वो एटलांटिस से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। इस पर वो कहता है मैं मछलियों से बात तो नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हें जल्दी हो तो हम इसके अंदर जा सकते हैं। और वो दोनों उसके अंदर देखते हैं इनफाइनाइट डिप। दूसरी तरफ खानागार प्राइम में वंडर वुमन पूछ रही थी क्या तुम वहाँ पर पहुँच गए, उस पर ग्रीन लैंटर्न जवाब देता है हाँ हम अभी वहीं पर है और हम उनके रूलर के पास जा रहे हैं। और वो आगे देखते हैं कि उस प्लेनेट का रूलर था ओमनिमर सिन, जो कि कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो ये मुझे पता है, तुम्हें एंथ मेटल चाहिए, और अगर तुम्हें एंथ मेटल चाहिए तो वो मेरे सेल्स में है, मैंने उसे पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया है और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। और तभी हम देखते हैं स्टारो द कॉन्करर को, उसे देखते ही उसे टेरिफिक कहता है लेकिन हमने तो उस पर टारो कहता है हाँ तुमने मुझे मार दिया था, लेकिन मेरे एक टेंटेकल से मैं फिर से रीजनरेट हो गया और बहुत ज़्यादा पावरफुल। मिस्टर टेरिफिक कहता है इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए लॉर्ड सिन, और हमारी बात सुनिए, अभी अर्थ पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और वो कहता है तुम गलत हो, और वो अपनी फिनिक्स कैनन दिखाते हुए कहता है कि फिनिक्स कैनन हर एक मेटल से लोड है, और अगर अर्थ पर कोई हमला हुआ तो हम अर्थ के कोर पर निशाना लगा कर बैठे हैं, और वो निशाना हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर था। जब मैं इस थ्रोन पर बैठा तो मैं सबसे पहले तुम्हारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था इसके साथ, लेकिन अब तुम वो आखिरी चीज ले आए हो जो मुझे चाहिए। और तभी थनगारियंस उन लोगों पर जाल फेंकते हैं, और उन्हें चाहिए था प्लास्टिक मैन का एक जो कि एंथ मेटल से बना था। इस पर ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन उसके बदले में ग्रीन लैंटर्न की रिंग उसे कोई जवाब ही नहीं देती। तब वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी विल स्ट्रॉन्गर है तुमसे, लेकिन इसका मतलब कुछ और ही हो सकता है। और तभी हम देखते हैं ड्रीम वर्ल्ड में क्लार्क और ब्रूस दोनों थे, और ब्रूस ड्रीम पर गुस्सा होकर कह रहा था अगर तुम्हें मदद ही करनी थी तो तुम हमें वहीं पर छोड़ देते, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। जिस पर उसे अपने डायमेंशन की सैर कराने लगता है। जिस पर क्लार्क कहता है ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। जिस पर ड्रीम उसे कहता है हाँ क्योंकि तुम यहाँ पर रोज आते हो जब तुम सोते हो, तुम यहाँ पर तब आते हो जब तुम सपना देख रहे होते हो, ये मेरा होम है, और जब तुम ड्रीमिंग में होते हो तुम यहीं पर होते हो। और वो जलती हुई बुक्स को दिखाकर कहता है यहाँ पर कुछ हॉरर सपने भी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लूशियंस के है, वो लूशियंस की लाइब्रेरी है, लेकिन ये हॉरर सपने अब असली बनते जा रहे हैं बारबाडोस की वजह से, और इसीलिए बुक कलेक्शन जल रहा है। जिस पर क्लार्क कहता है तो हमें ज्वाइन करके आप बारबाडोस को डिफीट क्यों नहीं करते। इस पर ड्रीम कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, एक स्टोरी। और वो उस स्टोरी को बताने लगता है जब डार्क ग्रेट स्पार्क के साथ मोल्टन पोटेंशियल पर मिला तब उस स्पार्क ने दो अपोजिंग एग्जिस्टेंस क्रिएट किए, मैटर और एंटी मैटर। उन दोनों ब्रदर्स के साथ मॉनिटर आया और एक थर्ड पार्टी भी जो कि क्रिएट करती थी, और वो क्रिएट करती थी वर्ल्ड फॉर्म में, यानी कि दुनिया की भट्टी पर।
युगों तक उसका हथौड़ा चलता रहा उस भट्टी में, और होप और फियर के बल पर उसने कई सारी बीइंग्स बनाई, कई सारी लिविंग बीइंग्स। लेकिन मोस्ट स्टेबल वर्ल्ड सी नक्षत्र भवन में अपनी जगह कायम कर पाए, और जो अनस्टेबल होते वो उस ग्रेट ड्रैगन के निवाले का शिकार हो जाते, जिसका नाम था बार्बाटॉस। हाँ, बार्बाटॉस। लेकिन वो ड्रैगन, उस ड्रैगन ने एक दिन अचानक ही अपने मालिक को मार दिया, और उसने उस वर्ल्ड को खाना बंद कर दिया। उसने उस वर्ल्ड को जिंदा रखा, और इसी के साथ वो पूरी की पूरी भट्टी डार्कन होने लगी। और जो होप बची थी उस वर्ल्ड में, उस दुनिया की भट्टी को वापस लाने के लिए जो फायर बची थी, वो यहाँ पर मेटल्स में कन्वर्ट हो गई। बार्बाटॉस अभी उसी उम्मीद में जी रहा है कि वो हमारे मल्टीवर्स को अपने मल्टीवर्स में लेकर सारे मल्टीवर्स को डार्क में बदल देगा, और वो कामयाब हो भी जाता अगर तुम दोनों वहाँ से यहाँ नहीं आ जाते। इस पर क्लार्क कहता है, आप टेंथ मेटल की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया की भट्टी पर था। इस पर वो कहता है, जो मेटल्स उस भट्टी से बने वो ज्यादा पावरफुल थे। जिस पार्क की मैं बात कर रहा हूँ वो है नाइन्थ मेटल्स, और उसमें से एट्थ मेटल यूज करते हैं अर्थ के गॉड। और बार्बाटॉस के पास एक कॉस्मिक बीइंग है, जिसकी वजह से वो पूरी मल्टीवर्स पर कब्जा करना चाहता है, जिस पर ब्रूस और क्लार्क दोनों ही टीम से मदद मांगते हैं। जिस पर वो कहता है, मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन मैं एक पैसेज क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें से तुम्हें होप और वंडर के बलबूते पर बाहर निकलना होगा, वरना तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए डार्क मल्टीवर्स के अनंत गहराइयों में गुम हो जाओगे। क्लार्क तो चलने के लिए तैयार था, लेकिन ब्रूस कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं डिटेक्टिव था, मैं हमेशा से जवाब जानना चाहता था, चाहे वो कितने ही कड़वे और कितने ही भयानक क्यों ना हो, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस सबका जिम्मेदार मैं हूँ, और मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता। जिस पर वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनो, तुम दूसरों को होप देते हो, और आज तुम्हारे पास ही होप नहीं है, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? और घर का नाम सुनते ही उसे अपने बेटे की याद आती है, अपने फैमिली की याद आती है, और उसके अंदर एक बार फिर होप जाग उठती है, और वो दोनों ही उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। इस पर वो कहता है, तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा ब्रूस। इस पर ब्रूस कहता है, बकवास बंद करो, मैं बैटमैन हूँ, और चलो वो खत्म करते हैं जो शुरू किया है। दूसरी तरफ सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स अपने अपने कामों में बिजी थे, और तभी रॉक ऑफ एटर्निटी में डॉक्टर फेट और वंडर वुमन को कुछ महसूस होता है, और तब वो देखते हैं कि एस्ट्रल ब्रेन कैनरा सॉन्डर्स तबाह करने वाली थी, जिसे वो दोनों रोकते हुए कहते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो सारा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं, नहीं, सिर्फ डार्क मल्टीवर्स तबाह होगा। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, वो एस्ट्रल ब्रेन कैनरा सॉन्डर्स के साथ जुड़ चुका था, और वो बन चुकी थी लेडी ब्लैक हॉक, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर आता है ब्लैक एडम। जिस पर वंडर वुमन उसे कहती है, ब्लैक एडम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर वो कहता है, मैं इमॉर्टल्स में से एक हूँ, और मैंने बार्बाटॉस के साथ सौदा किया है, इस वजह से मुझे वो ब्रेन चाहिए, बताओ वो कहाँ पर है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस दुनिया की भट्टी में बैटमैन और सुपरमैन वहां तक पहुंच चुके थे, लेकिन उनके जाने से पहले ही वो भट्टी तबाह हो चुकी थी, जिसे देखकर ब्रूस कहता है, कार्टर हॉल ने अपने जर्नल में कहा था कि ये भट्टी क्रिएशंस और बिगिनिंग्स का सेंटर पॉइंट है, वो होम है क्रिएशन और बिगिनिंग्स का। एक पीछे से आवाज आती है, नहीं, मैं गलत था ब्रूस वेन, मैं हूँ कार्टर हॉल, ड्रैगन ऑफ बार्बाटॉस, कीपर ऑफ द डार्क फोर्स का, और मैं अब ये तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंडिंग्स लिखी जाती है, और ये होम है एंडिंग्स का। और तब हम देखते हैं हॉकमैन को अपने बहुत ही भयानक रूप में। इसी के साथ ये वीडियो यही पर खत्म होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।